अंबिकापुर शहर के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल श्रीवास्तव ने शहर के भाजपा नेता पार्षद आलोक दुबे और उनके परिवार पर भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने आलोक दुबे के इस कार्य में जिला प्रशासन के आलाधिकारियों की संलिप्तता का गंभीर आरोप लगाए। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के प्रतापपुर नाका स्थित 117 एकड़ भूखंड का है, जहां तक इनका कहना है कि ये पूरी जमीन को राजस्व मंडल ने शासकीय घोषित कर दिया है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी व्यक्ति हमारी जमीन का जो मूल पट्टा है वो आके देख सकता है। न सिर्फ हमको, 1958 में जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, हमारे 117 एकड़ के अलावा 47 अन्य परिवारों को भी 1958 में कलेक्टर के निर्देश पे, तहसीलदार के आदेश पे भूमि स्वामी हक पट्टा मिला हुआ है। और अंबिकापुर शहर के अंदर मुख्य बेशकीमती जमीन शिवधारी कॉलोनी के अंदर, जिसमें 117 एकड़ जमीन है और उस जमीन, वह जमीन जो है राजस्व मंडल बिलासपुर के द्वारा शासकीय मद में दर्ज हो चुका है और उक्त जमीन पे आलोक दुबे एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से यथास्थिति की स्थिति बरकरार है। लेकिन आलोक दुबे एवं उनके परिवार के सदस्य होटल पंचानन, उसके आसपास और आज वर्तमान में भी, आज के दिन भी वहां पे निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं।